तो बच्चों ये वीडियो जो है वो आपका सेकंड पार्ट है। दोनों पार्ट के साथ में अपलोड करूंगा, टेक्निकल इश्यू के कारण दो पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है और इसमें हम एक संबंध स्थापित करेंगे विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र के बीच में। तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे संबंध स्थापित करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो आइए हम मानते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको मैंने ई से डिनोट कर दिया, और मेरे पास में कोई क्यू चार्ज है, क्यू आवेश है जो अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर मैं लेके जाता हूं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां विभव फाइंड आउट होता है। क्यों विभव फाइंड आउट होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके जाते हैं तो आप उस बिंदु का विभव फाइंड आउट करते हैं, और उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, V A बराबर W अपॉन Q होता है। जबकि आप इसको बात को समझने की कोशिश करना, ये इन्फिनिटी से मैं लेके जा रहा हूं तो ये विभव है, लेकिन अगर मैं बोलता कि ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है और ये ए बिंदु से बी बिंदु तक इस क्यू चार्ज को आप लेके जाते हो, तो उस केस में इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होगा। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये कंसेप्ट मैं यहां लगाने वाला हूं। पहले वाला कंसेप्ट पुराने वाला था इसलिए बताना जरूरी था, इसलिए अनंत से मैंने माना। अब यहां पर एक बात आपको पूछनी है कि VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q तो हो गया है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि W बराबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F dot dl। क्या है ये F? F का मतलब होता है बल, विस्थापन। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। तो मैंने उस रिलेशन से ये फॉर्मूला लिखा, W बराबर इंटीग्रेशन F सदिश डॉट dl सदिश। अब मुझे चाहिए यहां पर F। अगर मैं F पता करूं तो मेरी बात सुनिए कि कोई क्यू चार्ज है और उस क्यू चार्ज को विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, तो उस चार्ज के ऊपर विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल का सूत्र क्या होगा? विद्युत बल। यहां पर अगर मैं लिखूं तो विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F E = F बराबर QE। तो ये फोर्स लगेगा आपके इस आवेश पर कब? जब हम A से B पर लेके जाएंगे। तो यहां पर मेरी बात को समझना कि F की जगह तो मैंने लिख दिया Q डॉट E, तो ये Q तो है अदिश स्केलर, बट E जो है वो वेक्टर होता है, तो सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखो तो F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। तो मैंने F की जगह क्या लिख दिया? EQE, और डॉट लगा दिया मैंने यहां पर DL। अब मेरी बात सुनो कि यहां पर ये मैं जानता हूं कि VB माइनस VA बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q होता है, या फिर एक और फॉर्मूला होता है -WE अपॉन Q। इसको सुनना क्या है ये चीज। मैंने लिखा VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q बराबर -WE अपॉन Q। ये W है, ये हमारे द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई अस, बट ये जो WE है, ये WE है इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारे द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य की विपरीत होता है, अपोजिट होता है, इसलिए मैंने ये माइनस में लिखा।
और आप जानते हैं कि ये जो WE है ये W नहीं है बेटा, ये WE है। क्यों है WE? क्योंकि एक बात बताओ, जो फोर्स ले रही हो वो फोर्स आपने क्यों ई लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लिया। क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो? नहीं, ये तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स लिया, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ही तो होगा ये। सो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू ई लिख दिया। अब देखो आप डब्ल्यू ई की जगह ये वैल्यू पुट करो। अगर मैं चाहूं तो इस क्यू को कॉन्स्टेंट बेचारे को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ई डॉट बी एल लिख दिया, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पुट करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अपॉन क्यू। ओके, क्यू से क्यू क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूला क्या बन गया, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीएल सदिश। इसमें फिर भी एक कमी है, वो कमी मैं अब क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से अब समझ में आएगी। कमी क्या है कि हमारी गाड़ी, मतलब हमारा जो क्यों है वो कहां से कहां चला है, ए से बी चला है। तो हमारा क्यों ए से बी चला है, तो इंटीग्रेशन ए से बी होगा, मतलब जो लिमिट लगेगी ना बेटा वो ए से बी लगेगी। जो लोअर लिमिट है वो ए है और जो अपर लिमिट है वो बी है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा, ए से बी, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का यदि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो इंटीग्रेशन जो है ए से बी वो हमें क्या देगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। तो आपको ये बात समझ में आई? इस नियम की सहायता से आप काफी डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में। और मैंने कहा था ये दूसरा पार्ट है और छोटा ही होगा, इसलिए टाइम निकाल दिया मैंने। मैं आशा करता हूँ आप घर पे बैठ के आराम से मेरे लेक्चर का आनंद ले रहे होंगे, और प्लीज मैं जब समझाता हूँ तो उसी दिन आप वापस उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लिया करो, वरना बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। मैं हटूंगा तब स्क्रीन शॉट ले लेना, फिर मैं वीडियो बंद कर